हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी, शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग के ऊपर। तो ब्रांडिंग बेसिकली करते तो ब्रांडिंग वाले ही हैं, बट अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो कि ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है और जो ब्रांडिंग वाला आपसे पैसे लेके जो आपकी ब्रांडिंग रेडी कर रहा है उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, या आपको थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक भी पता होगा तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि वो जो भी आपको बना के दे रहा है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडिंग होती क्या है। तो ब्रांडिंग बेसिकली होती है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, बेसिकली आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपके रेस्टोरेंट को देख के, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस पे देख रहे हैं, या फिर वो आपके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, तो आने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग तो सिर्फ क्या है, एक बढ़िया सा साइनेज होना चाहिए, एक अच्छा लोगो होना चाहिए और दैट्स इट, हो गया, इसके अलावा ब्रांडिंग में कुछ नहीं आता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांडिंग में सिर्फ ही सिर्फ लोगो या आपका साइनेज मैटर नहीं करता है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक ब्रांडिंग में अगर आप बात करें तो साइनेज और लोगो को अगर हम साइड में रखते हैं, उसके अलावा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपका इंटीरियर, बेसिकली इंटीरियर कैसा है, आपके रेस्टोरेंट की थीम कैसी है, आपका मेन्यू कैसा है, यानी कि कौन सा टाइप ऑफ फूड आप सर्व कर रहे हैं, देन आपकी स्टाफ यूनिफॉर्म्स कैसी हैं, देन उसके बाद आपका सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस है, आप सोशल मीडिया में अपने रेस्टोरेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रांडिंग पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि डिफ़ाइन योर सेल्फ एंड योर ब्रांड। तो अगर हम बात करें डिफ़ाइन योर सेल्फ, तो उसमें आप ये दिखाइए कि आप क्या हैं, आप का ये पैशन है या आप किसी चीज़ से इंस्पायर हुए इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए। देन आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में डिफ़ाइन कीजिए कि आपका रेस्टोरेंट क्या है, आप किस टाइप का फूड सर्व करते हैं, कैसा एम्बियंस है, क्या कलर्स हैं, क्या लोगो है, आपके रेस्टोरेंट का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिफ़ाइन योर सेल्फ एंड योर बिजनेस के लिए। और ये करने के लिए आप शॉर्ट इंटरव्यूज़ अपने क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। देन ब्रांडिंग करते समय आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि आप जो भी एज ग्रुप के आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि उनको उस लाइफस्टाइल को, बेसिकली किस टाइप के इंटीरियर्स, किस टाइप के कलर्स पसंद है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आजकल थीम रेस्टोरेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो अगर हम बात करें कि थीम रेस्टोरेंट के लिए किस किस चीज़ों की कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, वो ये है कि आपका जो बेसिकली साइनेज है, लोगो है, देन आपके जो इंटीरियर्स हैं, देन उसके बाद आपका जो फूड है यानी कि मेन्यू, ये बहुत ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका साइनेज कुछ और बता रहा है, इंटीरियर्स कुछ और फील करवा रहे हैं और फूड आप कुछ और सर्व कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रांडिंग में बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ब्रांडिंग जब आप कर रहे हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके रेस्टोरेंट के लोगो की बात कर लेते हैं। तो लोगो बेसिकली बहुत कैची होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जो आप फॉन्ट्स जो क्रिएट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के साइनेज के लिए, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर लोगो की बात करें तो आप मैकडॉनल्ड्स का एम देख सकते हैं जो कि बहुत कैची है। अगर कोई बच्चा अगर मैकडॉनल्ड्स की स्पेलिंग भी नहीं पढ़ सकता है, बट वो अगर एम मैकडॉनल्ड्स का देखेगा तो उसको पता रहेगा कि वो मैकडॉनल्ड्स ही है। अगर मैं फॉन्ट्स की बात करूँ तो फॉन्ट्स का एग्जांपल मैं आपको KFC का दे सकता हूँ। जैसे कि आप KFC देखेंगे, KFC का फॉन्ट का एक पैटर्न रहता है, या बर्गर किंग के फॉन्ट का एक पैटर्न रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये कितना कैची, आपको कितना अट्रैक्टिव आप इसको बना सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो बेसिकली आपका लोगो रहता है या आपका ब्रांड नेम का जो भी फॉन्ट का स्टाइल रहता है, वो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में या तो आने के टाइम में सबसे पहले सामने देखता है, या फिर उसने कहीं और देखा होता है मार्केटिंग में आपकी, जहाँ भी आपने मार्केट कर रखी हो या सोशल मीडिया पर वहाँ पर देखा होता है, तो वो उसके माइंड में बेसिकली बैठना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि एक तो आपका लोगो और आपका ब्रांड नेम जो हो गया वो तो कस्टमर के माइंड में बैठ गया, बट जब वो आपके रेस्टोरेंट में आता है तो बेसिकली उसको इंटीरियर वाइज भी, मतलब कि कलर्स जब वो देखता है आपके वॉल्स के या डिज़ाइन देखता है, वो उसको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। आपकी जो सिटिंग है, फर्नीचर जिसे हम बोलते हैं, जिस पे कस्टमर बैठता है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, कोजी होना चाहिए, सो दैट के वो अगर ज़्यादा टाइम भी बैठना चाहें तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ जो आ जाती है फूड। फूड बेसिकली आप जो सर्व करने वाले हैं उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो आपका फूड ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका थीम बेस्ड ज़रूर होना चाहिए।
अगला पॉइंट ये है कि जब आप लोगो और साइनेज के लिए अपने कलर्स और इंटीरियर्स के लिए भी इवन जो कलर्स आप चूज़ कर रहे हैं बिकॉज थीम बेस्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका साइनेज जो है वो आपके कॉम्बिनेशन में रहेगा इंटीरियर्स के साथ या इंटीरियर साइनेज के साथ। तो बेसिकली आप जो कलर्स चूज़ कर रहे हैं तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट ऑडियंस जो है आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने मैच्योर पीपल के लिए रेस्टोरेंट जो आपने टारगेट किया बेसिकली आपके जो टारगेट ऑडियंस है अगर वो मैच्योर पीपल है आपके रेस्टोरेंट में और आप वहाँ पे ब्राइट कलर्स रख देंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे या उनको आपका इंटीरियर पसंद नहीं आएगा। बट यही चीज अगर आप एक यंगस्टर यानी कि यंग क्राउड के लिए अगर आप करते हैं ब्राइट कलर्स के साथ में और तो इससे क्या होता है कि वो उनको सूट करेगा। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप कलर्स क्या यूज करने वाले हैं। फिर आ जाता है आपका फोटोग्राफी पार्ट, यानी कि फोटोग्राफी जो होती है आपकी अगर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हम लोग अपने रेस्टोरेंट की कराते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका रेस्टोरेंट कहीं भी कस्टमर देखता है, चाहे वो किसी मार्केटिंग टूल में देखता है या फिर सोशल मीडिया प्रेजेंस में आपके रेस्टोरेंट को देखता है, तो आपका बेसिकली साइनेज ब्रांडिंग भी देखेगा उसमें, आपका इंटीरियर्स एम्बियंस सब कुछ देखेगा, प्लस आपके फूड की फोटोग्राफी भी उसमें होगी। तो मेक श्योर कि प्रोफेशनली जो आप ये करवाएं तो क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है जब वो इमेजेस देखते हैं। तो मेक श्योर कि जो चीज़ आप फोटोज़ में दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में वो चीज़ आपके पास सेम टू सेम होनी भी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा एक मेन टूल आ जाता है वो आ जाता है आपकी ब्रांडिंग जो होती है पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर। तो पैकेजिंग मटेरियल आपको पता ही है कि आज की डेट में डिलीवरी बिजनेस बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन जो आपकी डिलीवरी ऐप्स ही इतनी है जिस वजह से आपका बिजनेस काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपका फूड जो है वो टेक अवे में जाता है या डिलीवरी में जाता है तो वो एक मार्केटिंग टूल का ही काम करता है। दूसरा क्या, पैकेजिंग मटेरियल पे सिर्फ आप अपना ब्रांड नेम और फ़ोन नंबर्स मत डालिए, कुछ उसमें भी आप नया करने की सोचिए सो दैट के जब कस्टमर को या क्लाइंट को आपका जो डिलीवरी मिले तो वो आपके बॉक्स को भी कुछ देर के लिए देखे तो उनके माइंड में ये एक स्टोरीज क्रिएट होती हैं। बेसिकली हम लोग इसे क्रिएटिंग स्टोरीज ऑन द बॉक्सेस भी कहते हैं, यानी कि कुछ एक स्टोरीज बना के बॉक्सेस पे डालना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो पुणे में जैसे बॉक्स एट मील्स है तो बॉक्स एट मील्स बेसिकली अपने बॉक्सेस के ऊपर उन्होंने जैसे हिंदी में लिखा हुआ है देसी बोल्स, देन उन्होंने उसके ऊपर ऑटो रिक्शा का स्केच डाला हुआ है और भी कई चीज़ें डाली हुई हैं, मतलब कि जैसे देसी हम लोकल कहते हैं वही सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि हाउ योर ब्रांड स्पीक्स और आपकी ब्रांड दिखती कैसी है, या फिर आपकी ब्रांड को देख के कस्टमर का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है। क्या आपका रेस्टोरेंट का ब्रांड फनी शो ऑफ करता है, क्या आपका ब्रांड जो है रेस्टोरेंट का क्या वो फॉर्मल शो करता है, या फिर वो शो करता है कि किडिश है यानी कि किड्स के लिए है, बच्चों के लिए है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक दे देता हूँ इसमें, अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूँ तो आप मैकडॉनल्ड्स में देखेंगे एक बाहर स्टैचू होता है, अगर आप वो स्टैचू को देखेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो बच्चों के लिए है। वो अलग बात है कि हर कैटेगरी के लोग जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं, बट अगर मैं बोलूँ मोर परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स तो वो ऑब्वियस है कि किड्स ही हैं। तो ये था गाइस आज का टॉपिक रेस्टोरेंट ब्रांडिंग से लेके। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को सो दैट मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं, या अगर आपको कुछ और भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो जो है नया आपके लिए बना सकूं। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।